Hi friends, welcome back to my channel. Today early morning, जैसे कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है और अक्टूबर एंड आ गया है, तो आई थॉट कि मेरी तुलसी प्लांट काफ़ी लेगी हो रहा है. मुझे लगा कि मुझे उसकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए ताकि विंटर्स में वो इतना परेशान ना रहे. यू कैन सी हाउ हेल्दी इट इज़. और इस पे सीड पॉट्स भी आए हुए हैं. देखिए मैंने इसे बांध भी रखा है, काफ़ी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं तो इनका प्रून करना ही ठीक रहेगा. तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कैसे प्रून करना है. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरा हेल्दी प्लांट है. इस पर ये सीड्स भी आ गए हुए हैं. ये सीड्स का आना यानी कि प्लांट की ग्रोथ का रुक जाना. तो किसी भी प्लांट पे अगर सीड्स आते हैं तो अगर उसे प्रून कर दें अंटिल अनलेस हमें उसकी सीड्स की ज़रूरत हो तभी हम उसे सुखाएं, वरना हमें उनको ऐसे प्रून कर देना चाहिए. दिस वे इनको प्रून करके आप प्लांट के अंदर ही डाल सकते हैं ताकि नई ग्रोथ मिल जाए, आपका नया प्लांट रेडी हो जाए. नहीं तो आप इसको विष्णु जी पे चढ़ती है, ये मंजरी कहती है इसे, तो आप तुलसी से भी तुलसी जी से भी ज़्यादा अच्छी होती है कि अगर हम ये मंजरी विष्णु जी पे चढ़ाएं, उन्हें बहुत पसंद है ये. तो देखिए ये कितना लेगी हो गया था कि मुझे इसे बांधना पड़ा था. तो मैं इसे खोल देती हूँ. कुछ ब्रांचेस तो बहुत ही लंबी जा रही हैं जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी इसे अब देखती हूँ काट के. सी फ्रेंड्स, काटना कहाँ है, जहाँ से भी न्यू ग्रोथ आ रही है उसके ऊपर से, जस्ट ऊपर से काटना है, दो नॉट्स के बीच में से. आप अगर ध्यान से देखें दो नॉट्स के बीच में से काटना है. फ्रेंड्स, तुलसी इज़ अ मेडिसिनल प्लांट एंड अ मस्ट टू हैव एट योर प्लेस. इट थ्राइव्स इन सनलाइट. मिनिमम 2 to 3 hours ऑफ सनलाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ. इट कैन ईजिली बी प्रोपोगेटेड थ्रू सीड्स एंड इट इज़ अ सन लविंग प्लांट, सो यू कैन वाटर इट रेगुलरली इन समर. बट फ्रेंड्स, इन विंटर यू मस्ट चेक द सॉइल एंड वाटर इट वेन रिक्वायर्ड. So best tip from me is for this tulsi plant that you must pinch and prune it regularly for its bushier growth. Almost मेरे इस पौधे से सारी मंजरीज मैंने उतार दी हैं और अब मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है इसे प्रून करना. सोच रही हूँ इसे बांध दूँ ताकि ये ऑर्गेनाइज लगे. सी फ्रेंड्स, कितना बुशी था और अभी भी ये बुशी ही है. बट विंटर्स में इसकी प्रूनिंग, विंटर्स शुरू होने से इनफैक्ट पहले इसकी प्रूनिंग अच्छी रहती है. फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको अपने और भी तुलसी के प्लांट दिखाती हूँ. ये है फ्रेंड्स थाई बेजल. ये कपूर तुलसी है फ्रेंड्स. एंड दिस वन इज लेमन तुलसी. सो मेरी कलेक्शन में ये लेमन तुलसी, रामा तुलसी, कपूर तुलसी एंड दिस वन थाई बेजल.
सो फ्रेंड्स, होप आपको प्रूनिंग कैसे करनी है समझ में आ गई हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।